घंटे के अंदर जितने भी माइक्रो फाइनेंस है और संघ के जो लोन है 24 घंटे के अंदर पूरे लोन माफ करने का वादा कुमार सभी ने किया है। हमारे नौजवानों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ब्रेक ब्रेक बिना बजाय 24 घंटे दो दो दिन वहाँ पर जेल के अंदर रखकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कोई यहाँ पर आवाज उठाने वाला नहीं है। भाई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप तुमको जिताए, लेकिन आने वाले दिनों में हम नासिर उस्ताद को आगे बढ़ाएंगे। एक अपने भांजे को मारते हैं वहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे मीडिया में शर्ट खोल कर बताता है, जख्म बताता है बॉडी बॉडी के अंदर, वहाँ पर खुदल खुदल के मारते हैं। उनके ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं होती, हम पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए आवाज उठाने वाला पूरे कर्नाटक स्टेट में कोई नहीं है। हम नासिर हुसैन उस्ताद को जो है यहाँ पर हमारी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिंग, ओपन बेड, AC and non-AC lodge, Wi-Fi connection facility, separate locker, 24/7 hot and cold water, deluxe stay and much more. Address supermarket, opposite Chetan School, Gulbarga. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त में अपनी बात को रखकर मैं यहाँ पर अपनी जगह लूँगा, क्योंकि मेरे बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं गुलबर्गा के तमाम अवाम को मैं मुबारकबादी देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हर लोग, चाहे बुजुर्ग रहने दो, नौजवान रहने दो, हमारी पर्दा नशी इज्जतदार माँ और बहनें भी इस रैली के अंदर मौजूद रहे, उन तमाम लोगों को मैं आज यहाँ पर मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि गुलबर्गा शहर, गुलबर्गा का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, तमाम खवातीन फिक्रमंद है कि हम पर हर आए दिन निशाना बनाया जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए आवाज उठाने वाला पूरे कर्नाटक स्टेट में कोई नहीं है। तो एक उम्मीद की नजर से यहाँ पर गुलबर्गा शहर में हम नासिर हुसैन उस्ताद को जो है यहाँ पर हमारी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, और हमें यकीन है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक आवाज, अगर मजबूत आवाज हो सकती है, एक काबिल आवाज अगर हो सकती है, एक हर जबान बोलने की सलाहियत अगर हो सकती है, इन तमाम चीजें एक ही आदमी के अंदर नजर आता है, वह नासिर हुसैन उस्ताद। मैं तमाम यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप ऐसे खामोश ठंडा बैठने से होने वाला नहीं है, आपको नारा लगाना होगा। मैं आवाज लगाऊंगा, आप नारा लगाइए, गुलबर्गे का इत्तेहाद, ऐसी आवाज नहीं आना चाहिए। कहां पर इत्तेहाद है, इसको इत्तेहाद नहीं कहते, आवाज आना चाहिए, मजबूती से आवाज आना चाहिए, गुलबर्गे का इत्तेहाद। खवातीन तमाम लोग हाथ उठाकर बोलिए, गुलबर्गे का इत्तेहाद, गुलबर्गे का इत्तेहाद, नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद, बंडप्पा काशमपुर साहब, बंडप्पा काशमपुर साहब, कुमार स्वामी साहब। अब जाकर तुम लोग एक्टिव हुए, जब से ठंडे पड़े रैली से आ गए हैं, उसके बाद से आप नरम पड़ गए हैं, इसलिए थोड़ी गर्मी लाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लिया मैं आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर से एक ही नजर हमारे यहाँ पर है, एक ही क़यादत हो सकती है, वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब की, क्योंकि हम हर दिन, मुझसे पहले अफजल महमूद साहब ने मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने अपनी बात को रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक घर के अंदर सियासत होती है, बाप का इंतकाल होता है, उसका बेटा MLA बन जाता है, शौहर का इंतकाल होता है, उसकी बीवी भी MLA बन जाती है, एक कई बड़े बड़े लीडर हैं, उनके बच्चे MLA बन जाते हैं, लेकिन क्या एक नौजवान गुलबर्गा शहर से, हम में से, आप में से एक नौजवान बढ़कर आगे आकर एक जज्बा लेकर अपनी आवाज, एक खयानत नहीं ले सकता? क्या हम उसको मौका नहीं देना चाहिए? क्या नासिर हुसैन उस्ताद को दो बार इलेक्शन हारने के बावजूद भी वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में मौजूद हैं? यहाँ पर एक मामूली कॉर्पोरेशन अगर इलेक्शन हारते हैं तो एक कॉर्पोरेशन को बहुत परेशानी होती है, लेकिन दो बार अगर इलेक्शन हारते हैं तो बड़ी तकलीफ की बात है। यहाँ पर लास्ट इलेक्शन में 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद रैली निकाली गई, रैली में नारे यह लगाए गए, 3 बार बाप को, 2 बार बेटे को, यानी 3 बार बाप को हराए और 2 बार बेटे को हराए, ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ,
ये वक्त जो है हमको सोचने का है। यहाँ पर बार बार इनके वालिद साहब को 3 बार शिकस्त होती है और 2 बार नासिर हुसैन उस्ताद को, लेकिन हम उसके बावजूद भी गुलबर्गे के इत्तेहाद और उनके फैसले को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन लास्ट का जो इलेक्शन था, सिर्फ खबर इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ था, उनको सिंपति की बुनियाद पर उनको वोट दिया गया है, काबिलियत की बुनियाद पर वोट नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिंपति। और सिंपति सिर्फ 5 साल के लिए रहती है, सिंपति 10 साल 15 साल के लिए सिंपति नहीं होती है। 5 साल के बाद हमको फिक्रमंद होना होगा, हमको सोचना होगा। हमारे छोटे छोटे कारोबार करने वाले को वहां पर बाजार के अंदर प्रॉब्लम है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले को वहां पर पुलिस का प्रॉब्लम है, यहां पर छोटे छोटे कारोबार होटल खोलते हैं उनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहां पर किसी को कोई खौफ नहीं है, इसलिए खौफ नहीं है क्योंकि हमारे जो MLA है उनके भांजे को पुलिस वाले मारते हैं तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो हमारी नौजवानों की तापूस कैसा होगी। एक अपने भांजे को मारते हैं वहां पर, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे मीडिया में शर्ट खोलकर बताता है, जख्म बताता है बॉडी के अंदर, वहां पर खुदल खुदल के मारते हैं, उनके ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं एक वकील हूं, मैं मेरे दोस्तों से कहा कि मैं उनकी फ्री वकालत करूंगा, मैं उनके पुलिस वालों के खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूं, आइए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो मैं यहां पर आप लोगों से, जितने भी गुलबर्गा का पुलिस का अगर जुल्म होता है तो मैडम के पास नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें खुद अपने भेजे भांजे को नहीं कर सके, हमारा क्या करेंगे सोचकर कोई भी पुलिस वाले के पास नहीं जा रहे। और हमारे नौजवानों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बिना वजह 24 घंटे 2-2 दिन वहां पर जेल के अंदर रखकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कोई यहाँ पर आवाज उठाने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई छोटा मोटा कारोबार भी करता है तो उनको तकलीफ दी जाती है, उनके लिए ताप उसके लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो आज हमको इरादा करना होगा, तमाम नौजवान बुजुर्गों और माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, आप इस बार एक तरफ होना होगा। ये लोग आएंगे कहेंगे अगर जनता दल को वोट डालेंगे तो BJP आ जाएगी, ये बात आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, लेकिन हम तमाम लोग एक होकर नासिर हुसैन उस्ताद को अगर आप वोट डालेंगे तो BJP कहां से आएगी। तो मैं तमाम आज यहां पर रैली निकाल रहे थे कुछ नौजवान बच्चे, कांग्रेस के लोग जो है फोन कर बोल रहे हैं, अरे क्यों निकाल रहे रैली, कुछ कारपोरेटर्स हैं कांग्रेस के, वो लोग फोन करके बता रहे हैं कि रैली क्यों निकाल। लेकिन हमारे नौजवान ने कहा भाई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम तुमको जिताए, लेकिन आने वाले दिनों में हम नासिर उस्ताद को आगे बढ़ाई गई है, ये बात करके ये नौजवान आज यहाँ पर रैली में है। रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी रोली यहाँ पर आए हैं, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज सिर्फ गुलबर्गा के लिए नहीं, यहाँ पर 7-7 MLA है कर्नाटक स्टेट में, कोई हमारा आवाज उठाने वाला नहीं है। 224 में सिर्फ 7 MLA, उसमें आवाज नहीं। अगर कोई मुस्लिम MLA मुसलमानों के हक की अगर बात करता है तो कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट DK शिवकुमार खामोश बोलता है, मुसलमानों के हक की बात करने के लिए वहां पर इजाजत नहीं है कांग्रेस के अंदर। यहाँ पर जब भी बात आती है हिजाब की बात आती है तो DK शिवकुमार का यह निर्देश था, उनका ऑर्डर था कि हिजाब के ताल्लुक से कोई कांग्रेस का लीडर आवाज बयान नहीं देगा। ये यहाँ पर अगर मुसलमानों के हक में अगर बात करते हैं कांग्रेस के जानिब से तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज बन जाती है, पार्टी के खिलाफ वहां पर काम करने वाली बात वहां पर आती है कांग्रेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर हमारे खवातीन मौजूद हैं, वो संगम के अंदर जाकर लोन लेते हैं, संगम में जाते हैं वहां पर कर्जा लेते हैं। तो मैं यहाँ नासिर हुसैन उस्ताद साहब मौजूद है, पंडा प्रकाशमपुर साहब मौजूद है और कुमार स्वामी का भी यही ऐलान है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी माइक्रो फाइनेंस है और संघ के जो लोन है 24 घंटे के अंदर पूरे लोन माफ करने का वादा कुमार स्वामी ने किया है। पूरे खवातीन हमारे पास इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, हमारे पास यहाँ पर किराए के मकान पर रहते हैं, उनके पास कोई जातीय मकान नहीं है, 10-10 साल 20-20 साल पूरी उम्र खत्म हुई लेकिन उनके पास कोई मकान नहीं है, उनको जातीय मकान गवर्नमेंट के जानिब से हाउसिंग स्कीम के तहत जितने भी किराए के मकान में रहने वाले हैं उन तमाम लोगों को मकान देने का वादा कुमार सावी साहब ने किया है। और इंटरनेशनल सिलेबस, हमारे बच्चों में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तालीम का प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रॉपर तालीम नहीं है,
हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। कोविड के टाइम पे हम देखे लाखों रुपए हजारों रुपए हम हॉस्पिटल में जाते हैं। आजकल हॉस्पिटल भी कॉर्पोरेट का और इंटरप्राइजेस बिजनेस की तरह हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गरीबों की मदद करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोविड के दौरान कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कई जगहों को बेड नहीं मिल रहा था। हमारे गुलबर्गा शहर में कुछ नौजवान थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, नासिर हुसैन उस्ताद थे, हम भी थे। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, अपने वहाँ पर तड़पते हुए हम हॉस्पिटल के अंदर उनको आंखों से देखे, तड़प कर वो उनका इंतकाल हो गया। कई लाशें यहाँ पर तकफीन करने के लिए भी लोग वहाँ पर खाना देने के लिए भी कोई भी यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ गुलबर्गा के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, वो लोग पेश आए, ऑक्सीजन फराहम कराया, उनको घरों में अनाज देने का काम किए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, वक्त कम है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आप तमाम लोग इस बार इरादा कीजिए, अल्लाह के वास्ते इरादा कीजिए। मैं गुलबर्गा का एक एडवोकेट जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं फिक्रमंद हूँ, आप भी फिक्रमंद होना चाहिए। कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हमारे वोटों के लिए है। हमारे वोट लेंगे, वोट लेने के बाद वो भूल जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा 5 साल तक कोई नहीं। अब फोन कर बोलेंगे मैडम मुझे 5 साल में मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो और एक बार मौका दो, बोलकर मैडम आएंगे आपके पास, फोन करेंगे तो उनकी कोई बात सुनिए मत। आप देखें मैडम खामोश रहे, असेंबली के अंदर एक आवाज़ नहीं उठा सकते। 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन किया तो सिर्फ हेडलाइन के ऊपर, वो स्क्रीन लाइन के ऊपर एक सवाल करते हैं। गुत्तेदारी वहाँ पर घर को जाते हैं तो गुत्तेदार मिलते हैं उनके घरों में, कोई वहाँ पर मसाइल के लिए, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। उनके घर को जाकर देखिए, अतराब से पूरे गुत्तेदार मिलेंगे आपको, 20-20%, 25% कमीशन लेकर काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस बार हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में बात जानी चाहिए। नासिर हुसैन उस्ताद के हक में आप लोग दुआ कीजिए और इत्तेहाद बनाए रखिए। आने वाले इलेक्शन में हम जो है मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत ना सिर्फ गुलबर्गा शहर में बल्कि पूरे कर्नाटका स्टेट में बल्लभा काशुम और साहब के साथ हाथ में मिलाकर असेंबली के अंदर मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।